स्किन केयर के तीनों स्टेप क्लींजिंग, टॉनिंग और मॉइस्चराइजिंग, वो भी एक प्रोडक्ट में, वो भी घर पे बना हुआ। आज हम वो प्रोडक्ट बनाना ही सीखेंगे। हाँ दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, मैं नैन्सी मुजीद्रा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में इस प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। जो इस प्रोडक्ट में बात कर रही हूँ वो क्लींजिंग का काम करेगा, टॉनिंग का काम करेगा और मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। 3-in-1 प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के लिए हमें ज्यादा कुछ चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। इस वीडियो में आज हम जो प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे वो हम अगर हर दिन यूज करते हैं, सुबह यूज करते हैं या शाम को सोने से पहले यूज करते हैं, स्किन केयर के तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम इसको रेगुलर यूज करते हैं तो इससे हमारे स्किन के जो काले दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाएंगे, स्किन पे जो पिगमेंटेशन है वो दूर होगी, स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगी और हमारी स्किन का जो रंग है वो धीरे धीरे से लाइट होगा। तो चलो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर देना। दोस्तों इसके लिए हमें सिंपल से 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला एलोवेरा जेल, दूसरा है हनी, तीसरा है गुलाब जल और चौथा है लेमन। दोस्तों हमें सबसे पहले एक बाउल में एलोवेरा जेल लेना है। मैंने यहाँ बाउल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है। लगभग एलोवेरा जेल है वो सभी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसमें हमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। शहद है वो हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइजिंग करता है। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिलाकर एक इवन का पेस्ट जब बन जाए उसके बाद हमें कुछ ड्रॉप्स लेमन के डालने हैं। हाँ दोस्तों, लेमन है वो एक ब्लीच की तरह काम करेगा और जब हम इसे रेगुलर यूज करेंगे तो हमारी स्किन पर जो काले दाग धब्बे हैं वो हटाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद हमें 1 चम्मच इसमें रोज़ वाटर डालना है। रोज़ वाटर ये हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और एक डब्बी में हमें भर लेना है और इस एक डब्बी में हमें भर के हम इसे फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों ये लोशन हमने बना लिया है। अब हमें इसे किस तरह से अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों इस लोशन को आप जब भी लगाए अपने चेहरे को पूरी तरह से क्लीन कर ले, उसके बाद इस लोशन की कुछ बूंदे लेकर अपने चेहरे पर अच्छी तरह से लगा कर कम से कम 2 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें और इसके बाद आपको इसे 5 से 10 मिनट तक रहने देना है और फिर आपको इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। इस लोशन को लगाने का बेस्ट समय रात को है। हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रात को लगा के हाथों से मसाज करके फिर आप इसको धो के सो जाओगे तो सुबह आप देखोगे आपके चेहरे पर कुछ अजब सा ही निखार आ जाएगा। दोस्तों अगर हम ये लोशन रेगुलर यूज करते हैं तो इससे हमारे चेहरे पर जो काले दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे से लाइट होके कम होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपने इसे यूज किया है और 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। कोई भी आप रेमेडी यूज करो तो कम से कम आपको 15 दिन 1 महीने का वक्त तो देना ही पड़ेगा क्योंकि होम रेमेडी में थोड़ा तो समय लगता है। दोस्तों तो इसे आप रेगुलर यूज करेंगे तो धीरे धीरे से आपके चेहरे के काले दाग धब्बे है वो लाइट हो गए, जो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन के निशान है वो कम हो जाएंगे और आपके चेहरे की जो एजिंग प्रोसेस है वो कम होगी। समय से पहले जो बुढ़ापा आता है वो एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे से कम होगी। तो दोस्तों आप ये लोशन को जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा है, ये नेचुरल है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।